टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम जो ये व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, जिसे कई लोग कैप ब्लाउज भी बोलते हैं, कई लोग श्रग बोलते हैं और कई जगह पे पोंचो भी बोलते हैं, तो इसका कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसका कटिंग और स्टिचिंग वैसे दोनों ही आसान है। तो ये 1 मीटर जितना कपड़ा है हमारे पास और इसकी विड्थ 56 की है, तो ये हमने यहाँ से डबल किया हुआ है। तो इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और इसको बिछा लेंगे और इसका जो हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, तो ये सभी साइड कटिंग नहीं होगा, पूरा ही होगा। तो इसको जैसे हम अम्ब्रेला घेर लहंगा कटिंग करते हैं वैसे ही बिछा लेना है किसी भी साइड से। यहाँ से हम बिछा लेते हैं, तो ये हमने बिछा लिया। अब इसकी लेंथ वैसे मेजरमेंट करनी हो तो यहाँ से 2-3 इंच नीचे रख के फिर यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। हमने ये 3 इंच नीचे लिया हुआ है, तो इसकी लेंथ वैसे तो कस्टमर्स ने बोला है कि जितनी हो जाए उतनी कर देना, तो ये यहाँ 17 इंच पे यहाँ तक कपड़ा है, लेकिन हमें इसमें राउंड वाली डिज़ाइन करनी है, तो ये इसका जो सेंटर आएगा वहाँ लेंथ आएगी, तो ये 18.5 तक लेंथ इसकी शायद निकल जाएगी। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ से ये यहाँ पे कितना है, जितना यहाँ पे कपड़ा है 19.5, उधर सब जगह पे उतना रख के एक बार मार्किंग कर लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला लेंगे में मार्किंग करते हैं। अगर ऐसी डिज़ाइन आपको नहीं बनानी है, सिंपल सिंपल राउंड ही बनाना है अम्ब्रेला डिज़ाइन टाइप, तो आप ऐसे सिंपल राउंड में ही कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी डिज़ाइन करनी है तो ये इसको एक बार और मोड़ना पड़ेगा। इसको यहाँ से एक बार और मोड़ देते हैं और ये यहाँ से पॉइंट हमें बनाना है, तो यहाँ पर जितना है उससे 2-3 इंच ऊपर, 3 या 3.5 इंच इतना ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ से, तो ये 3 यहाँ पे 3 इंच जितना आ गए। यहाँ से आप स्ट्रेट देख सकते हैं, ये 3 इंच जितना आ गया तो इधर से इतना राउंड दे देना है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा पॉइंट बन गया है और अब इसको ओपन कर देते हैं हम। देखिए तो ये ऐसे कटिंग हो गया है। अब इसमें ऊपर का नेक कटिंग करना है, तो नेक हम जैसे सिंपल ड्रेस होता है उसमें कटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ से नेक कोई भी साइड ले सकते हैं आप, यहाँ से भी ले सकते हैं ब्रॉडनेस या यहाँ से भी। तो अगर आपको समझ लीजिए बोट नेक करना है तो 4.5 इंच हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ से 3 या 3.5 इंच, वैसे तो ऊपर स्टिचिंग नहीं आएगी इसलिए 3 इंच ही रख दीजिए। 3 इंच रख के आप ऐसे बोट नेक कटिंग कर देंगे तो ये बोट नेक हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें कॉलर वाला करना है तो कॉलर के फॉर्मूला से चलेंगे। यहाँ से 3.25 इंच रख देते हैं इसकी ब्रॉडनेस, और ये जो कॉलर हमने कटिंग किया है इसका वैसे वीडियो बना हुआ ही है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसको ऐसे ऊपर रख के ये कॉलर के ही मार्किंग से मार्क करके कटिंग कर देना है। तो ये वाला साइड वाला पार्ट आ जाएगा, ये फ्रंट में आ जाएगा और ये कॉलर का नेक कटिंग हो जाएगा। और अब इसमें क्या है कि चारों तरफ ये यहाँ पे आप चाहे तो मार्किंग कर लेते हैं चारों तरफ। तो ये इसमें क्या होगा कि अगर आप स्टैंड कॉलर नहीं करेंगे तो चारों तरफ एक जैसे ही आएगा, तो गला आपका बोट नेक ही बनाना पड़ेगा तभी गले में से आएगा, लेकिन ये हमारा कॉलर वाला है तो अगर कॉलर लगाएंगे तो डायरेक्ट गले में से नहीं आएगा। इसके लिए हमें कोई भी एक साइड से थोड़ा सा कटिंग करके उधर साइड में जिप लगानी पड़ेगी, हिडन जिप, या तो आप हुक भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें वैसे कॉलर वाला है, इसके लिए हम कोई भी एक साइड से थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं, तो यहाँ से हम इसमें जिप लगा देंगे या फिर पूरा ही कटिंग कर देंगे तो भी चलेगा।
अभी इतना ही रखते हैं। तो ये कटिंग तो इसका बहुत ही आसान था, ये कटिंग हो गया है, अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। स्टिचिंग भी वैसे ही आसान ही है, और इतना कटिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर से कॉलर भी हमें कटिंग कर लेना है, तो इसमें यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें पेन से मार्किंग नहीं करना है, चौक से ही करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है नेट, तो उसमें बाहर दिखेगा। इसके लिए ये मार्किंग करके इसी के नाप का कॉलर कटिंग कर लेना है। और ये इतना कॉलर कटिंग हो जाने के बाद इसमें से यहाँ से हमने पूरा ही रखा है, अगर आपने पूरा नहीं रखा हो तो यहाँ ज्वाइंट लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो ये इस साइड इसमें चिपकाने वाला है, तो लेफ्ट साइड जो आने वाली हो स्टेन कॉलर, ये ऐसे करके देख ले, ये फ्रंट का है तो ये लेफ्ट साइड ये वाला पार्ट आएगा, ये राइट साइड जाएगा। तो जो भी लेफ्ट साइड आने वाला हो उसको सेंटर में से या सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा रख के कटिंग कर दीजिए, और इसको पूरा रखना है क्योंकि हमें ये साइड में हुक रखना है इसके लिए। और उसके बाद ये जो आपके पास मेन कपड़ा हो नेट का उसी के ऊपर चिपका देना है। ये मेरे पास वाइट कलर का ही है, इसके लिए वाइट में ये कैनवास चल जाएगा। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा कलर हो तो उसमें क्या करना है कि पहले इस कैनवास को अस्तर के ऊपर पेस्ट करना है, और अस्तर के ऊपर फिर ये नेट रखनी है, तो वो कैनवास नहीं दिखेगा। और ये कॉलर कटिंग हो जाने के बाद ये नेक के ऊपर कैसे पेस्ट करना है कि इसको तो यहाँ पे सीधा ही रखना है, आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको जॉइंट लगाना है। तो ये ऐसे लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है कि यहाँ पे ये वाले दोनों पॉइंट मिला देने हैं, और यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाना चाहिए, मतलब ये राउंड हो जाना चाहिए। देखिए ऐसे हम रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये यहाँ से पूरा स्ट्रेट आना चाहिए। वैसे रख के और ऊपर नीचे दोनों साइड से स्ट्रेट हो जाएगा ये, तो ऐसे रख के इसको ये नेट के ऊपर प्रेस कर देना है। या यहाँ पे पहले आप जॉइंट लगाना चाहे तो जॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे प्रेस से पेस्ट कर देंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। तो पूरी नेट में इसको पेस्ट कर देना है, और नेट में ही बनाना है इसको पूरे को। सबसे पहले हम इसका कॉलर बना लेते हैं, तो सब इधर से इसको पूरे को यहाँ से लास्ट तक एक बार फोल्ड कर देना है सिंगल बार। और फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा हो कहीं पे भी तो उसे कटिंग कर देना है। और इसे भी हमें जैसे सिंपल अस्तर में पल्टी करते हैं वैसे कर देना है। यहाँ पे कपड़ा कम था तो एक मैंने अस्तर के लिए जॉइंट लगाया है, और अस्तर में भी नेट का ही यूज़ करना है, दूसरा अस्तर करेंगे यूज़ तो दिखेगा, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये अस्तर का ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको भी यहाँ से एक स्टिचिंग लगा देनी है ये पल्टी करने के लिए यहाँ से लास्ट तक। ये स्टिचिंग लग जाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है, थोड़ा सा क्वार्टर इंच जितना रखना है। और ये वैसे तो नेट है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर जहाँ पे राउंड है वहाँ पे कट लगा देना है। और दूसरी साइड भी यहाँ जो हमने मोड़ा हुआ है उससे क्वार्टर इंच जितना हम स्टिचिंग में लेते हैं कपड़ा उतना रखना है, बाकी का पूरा कटिंग कर देना है। और ये कटिंग हो जाने के बाद एक यहाँ पे किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है, अस्तर के ऊपर, ये कैनवास के ऊपर नहीं, अस्तर के साइड जॉइंट रख के उसके ऊपर लगा देनी है। और इसमें ये यहाँ का जो मिडल है राउंड का, जो जहाँ पे हमने ये कैनवास का जॉइंट लगाया हुआ है वो मिडल हमें दिख रहा है, तो यहाँ से अस्तर में भी एक मिडल का मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये मिडल ही मेन है और ये मिडल को मिला के हमें कॉलर लगाना है। तो ये कॉलर बन गया है। कॉलर बन जाने के बाद इसमें वैसे साइड में मैं जिप सोच रहा था, लेकिन जिप अच्छी नहीं लगेगी इसमें, तो हम प्रेस बटन रख देंगे साइड में। तो इतना हमने कटिंग किया है उसको पूरा ही लास्ट तक कटिंग कर देते हैं, और एक साइड जैसे हम आई और एक साइड हुक की पट्टी लगाते हैं ब्लाउज में वैसे ही लगा देनी है। तो ये आई के लिए पट्टी बनी है हमने,
लेकिन इसमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। ये 2.5 इंच की मैंने कटिंग की है और ये यहाँ पे नेक साइड है, तो नेक की साइड ये उल्टा कपड़ा रख के इसके ऊपर ये पट्टी भी उल्टी ही रखी है उसको लगा देते हैं। और नेट के कपड़े से ही ये सब बनाना है, अस्तर दूसरा यूज़ नहीं करना, नहीं तो दिखेगा इसमें। इसके लिए देखिए ये लग जाने के बाद इसको यहाँ से सीधा करके यहाँ से मोड़ देना है और इसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, इसको हम 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड रख के मोड़ देंगे तो ये मैचिंग हो जाएगा, इसमें जॉइंट जैसा कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। देखिए तो ये आई टाइप पट्टी हो गई और दूसरी साइड हुक की जैसे पट्टी लगाते हैं वैसे लगानी है। तो ये दूसरी साइड है हमारी और ये पट्टी है, इसको एक बार पहले हम मोड़ लेते हैं। इसको भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, इसको जितना रखा है उतना ही ब्रॉड रखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको भी 1/4 इंच जितना कटिंग कर लेना है ब्रॉड। और इसको भी ऊपर से ये सीधा कपड़ा इसमें रखना है और ऊपर से स्टार्ट करना है। ये कॉलर वाला पार्ट है यहाँ से जो हमने राउंड किया था कॉलर के लिए वो, और इसमें यहाँ पे एक पट्टी के ऊपर किनारी की स्टिचिंग लगा देनी है। ये हुकाई दोनों की पट्टी बन जाने के बाद अब इसको यहाँ से पहले तो एक जॉइंट लगा देना है, ये ऊपर से यहाँ से बराबर रख देना है। और ये इसकी यहाँ से स्टिचिंग है और इसके भी यहाँ से दोनों को एक्स्ट्रा रख के हमने कटिंग किया था, तो आपको देख लेना है कि गला ओपन हो पाए उतना रखना है। तो हम यहाँ से इसको 3-4 इंच तक ओपन रखेंगे और 4 इंच और 4 या 4.5 इंच के आसपास से स्टिचिंग लगाएंगे। तो इसमें 4.5 से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 4.5 इंच रख के ये 4.5 से ये स्टिचिंग यहाँ पे लगा देनी है। और ये हमने यहाँ पे से स्टार्ट की है तो यहाँ पे एक पहले ऐसे आडी सिलाई भी लगा लेनी है और फिर यहाँ से पूरा जॉइंट सीधा लगा देना है। और इसके बाद हमें यहाँ से इसको पक्का कर देना है एक बार, जिस साइड हुक की पट्टी लगी है उस साइड मोड़ के पक्की स्टिचिंग लगा देनी है। और यहाँ से फिर इसको भी आडा लगाना हो तो एक स्टिचिंग लगा के तोड़ दीजिए इसको। और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग करके वापस से शेप ठीक कर लेना है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा और गले में आ जाएगा और यहाँ पे प्रेस बटन की पट्टी आ जाएगी। अब हमें इसमें कॉलर लगा देना है, तो ये यहाँ पर भी जो इतना ओपन है हुक के लिए उस पर भी पहले एक स्टिचिंग लगा देनी है। इतना हो जाने के बाद जो आई की पट्टी हो, ये हमारी आई साइड की पट्टी है, आई टाइप बनाते हैं वो, उस साइड का मिडल देख लेना है और ये उल्टा कपड़ा रखना है उल्टा से। और इसमें भी हमने जो कटिंग किया हुआ है, देखिए ये लॉन्ग वाला है और ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट पार्ट जिस साइड हो उस साइड वैसे तो आ जाएगा अपने आप। ये मिडल है हमारा जो हमने मार्किंग किया था, वैसे दिख रहा होगा। तो ये मिडल और ये मिडल दोनों को मिला देना है यहाँ पे और यहाँ से स्टैंड कॉलर को लगाना है। देखिए तो ये यहाँ पे लग गया और ये दूसरी साइड भी यहीं से स्टार्ट करना है। ये मिडल से उल्टी साइड पड़ेगी तो ठीक है यहाँ से ही, लेकिन ये मिडल से ही इसमें स्टिचिंग लगानी पड़ेगी। तो ये यहाँ से जहाँ तक एंड आता है वहाँ तक लगा देना है इसको, कॉलर को ऐसे ही लगाते जाना है इसके ऊपर। मतलब ये पूरा कॉलर लग जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है उसको सबसे पहले तो यहाँ से मोड़ के एक स्टिचिंग लगा देनी है तो कवर हो जाएगा दोनों साइड। Thank you.
और फिर इसको पलटी करके सीधा कर लेना है। तो दूसरी साइड भी, यह दूसरी साइड भी जो बचा हुआ है उसको वैसे ही यहाँ से फोल्ड करके कवर कर लेना है, और यह दोनों साइड सीधा करके फिर इसको यहाँ से एक स्टिचिंग लगा देनी है, जैसे हम नॉर्मल कॉलर में स्टिचिंग लगाते हैं वैसे। और यह स्टिचिंग लग जाने के बाद यहाँ पे एक पूरे में किनारे के ऊपर भी स्टिचिंग लगा देनी है दूसरी साइड। तो यह स्टिचिंग लग जाने के बाद ये हमारा कॉलर लग के रेडी हो गया है। ये फ्रंट साइड है और वो बैक साइड है, तो ये साइड पे आएगा यहाँ पे, और ये पहनने के बाद थोड़ा पता चलेगा। अभी ये बन गया है वैसे कॉलर, अब हमें नीचे का काम ही करना है सिर्फ, बाकी तो ये कर लेते हैं। अब इसके जितने भी राउंड है उसको, ये सीधा कपड़ा है तो सीधी साइड ही थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है, एकदम क्वार्टर इंच से भी कम सारे में। देखिए एक में करके दिखा देता हूँ, देखिए इतना ही मोड़ना है सिर्फ, और ऊपर से नेट लूज रखनी है, क्वार्टर से भी आधा है ये समझ लीजिए। देखिए ये एक साइड मुड़ गया, अब दूसरे राउंड में भी वापस यहाँ से ही, ये ज़्यादा पॉइंट आपको लगे या कुछ ऐसा है तो इसको थोड़ा कटिंग कर दीजिए, और वापस यहीं से थोड़ा सा फोल्ड करके पूरा राउंड कट मोड़ दीजिए। तो जितने भी हमारे राउंड है, इतने सा छः है या आठ है, आठ है शायद हमारे ऐसे राउंड, तो ये सारे राउंड को ऐसे ही मोड़ देना है। सारे साइड मुड़ जाने के बाद ये जो हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है वहीं से ये लेस लगाना स्टार्ट करना है, और ये थोड़ी सी खराब है तो इसको कटिंग कर देते हैं। बाकी थोड़ा यहाँ पे रख के या लेस को सीधा ही रख के डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देना है, तो हमने मोड़ा है वो ये लेस के नीचे दब जाएगा। तो देखिए ये पूरा जितना भी राउंड है उसमें ये लेस लगा दी है, और यहाँ पॉइंट पे आप आके पॉइंट से डायरेक्ट इसको ऐसे मोड़ देना है। और ये जो नीचे मुड़ा हुआ है वो पूरा कपड़ा हमारी लेस के नीचे आ जाना चाहिए, वैसे लेस को रखना है। तो पूरे राउंड में ये लेस को ऐसे ही लगा देना है। तो ये यहाँ पे पूरी लेस खत्म हो गई है, वैसे तो ये एग्जैक्ट ही हुई है, कटिंग मैंने नहीं किया। और यहाँ से इसको मोड़ के फिर इसमें जॉइंट लगा देना है, ये वैसे तो डिज़ाइन भी इधर मिल गई है। तो ये वैसे 3.5 मीटर जितनी लेस थी तो ये इसमें एग्जैक्ट हो गई है। तो आप अगर इतनी लंबाई करना चाहते हैं तो 3.5 कम पड़ सकती है, 4 मीटर लेना चाहिए। और आप जितनी जितनी इसमें लंबाई बढ़ाएंगे उतनी आपको लेस थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि घेर उतना बढ़ जाएगा। तो ये इसकी पूरी लेस नीचे लग गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये डायमंड वाली लेस है हमारे पास, तो ये कैसे लगाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ ही है। तो इसको भी हमें ये स्टैंड कॉलर के ऊपर नीचे और ऊपर दोनों साइड लगाना है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है लगाना, ऊपर और नीचे दोनों साइड ये वाली लेस को लगा देना है। तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने डायमंड की लेस लगा दी है, तो ये पूरा बन के वैसे तो रेडी हो गया है अब। और यहाँ पे साइड में इसमें हुकाई या प्रेस बटन जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और यहाँ से इसे बंद हो जाएगा। इसको मैं आपको डमी के ऊपर डाल के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डमी के ऊपर पहनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।